पहले प्रश्न में देखिए स्टूडेंट्स, कहते हैं यदि किसी संख्या में से उसका 40% घटा दिया जाए तो 30 शेष रहता है, वह संख्या ज्ञात करें। तो स्टूडेंट्स संख्या क्या हो, कितने परसेंट होती है? संख्या जो है वो 100% होती है, हमेशा कोई भी संख्या 100% होती है। और कहता है उसका 40% घटा दिया जाए, तो घटा दीजिए 40%, ये 40% हमने घटा दिया तो क्या बचा, 100 में से 40 गया, 60% बचा। इसका मतलब कहता है घटा दिया जाए 40% घटा दिया जाए तो 30 शेष रहता है, इसका मतलब ये 60% बराबर है 30 के। अगर 60% बराबर है 30 के तो 1% बराबर है 30/60, और संख्या क्या होती है 100%, तो गुणा में 100, ये देखिए हमें मिलता है 50, तो वो संख्या 50 हुई। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, 187 × 92 × 38 × 25 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, इकाई का अंक यहाँ पर ये 5 है, अगर 5 को 8 से गुना करते 5 × 8 = 40, 40 की यहाँ 0 आ गई, ये देखिए। फिर 0 को हम किसी से भी गुना करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, तो इकाई का अंक 0 हमें प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 60 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? अगर इसका आप आंसर चाहते हैं तो सीधा सा है कि 60/2 कर लीजिए आधा, क्योंकि आधी सम संख्याएं होती हैं आधी विषम होती हैं, तो कितना आता है 30, और 30 अगर आता है तो 30 को 1 आगे बढ़ाकर 30 से 1 आगे यानी 31 से गुना कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 31 00 और 31 93। ये देखिए, और अगर आप देखते हैं कि अगर 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग करना है तो 60 × 1 आगे बढ़ा दीजिए 61 और बटे 2। अगर 100 तक की संख्याओं का योग चाहिए तो 100 तक की सभी संख्याओं का योग 100 × 101 आगे बढ़ा दीजिए और बटा 2, आपको मिल जाएगा ये। अगर आप विषम संख्याओं का योग चाहते हैं तो देखिए 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का योग, 100 का आधा क्या होता है, 100 का आधा 50, 50 सम होती है 50 विषम होती है, तो विषम संख्या में 50 × 50। अगर 60 तक की सम संख्याएं चाहिए आपको, 60 तक की सम संख्याओं में आधा हो गया 30, तो 30 × 31, लेकिन आधी विषम चाहिए तो आधी विषम होती हैं 60 तक, तो 30 × 30 सेम संख्या रखने पर ये आपको विषम मिलेगी, ये सम मिलेगी। और अगर बटा 2 करके करते हैं यानी 60 × 61/2, तो सभी संख्याओं का योग हमें प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 930। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 0, 2, 3, 6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो सबसे बड़ी संख्या इन अंकों से अगर हमें बनाना है तो देखिए सबसे बड़ा अंक आगे लेंगे, फिर उससे छोटा अंक ले लेंगे, फिर उससे छोटा अंक ले लेंगे, फिर उससे छोटा अंक ले लेंगे, और फिर उससे छोटा अंक ले लेंगे। लेकिन जब छोटी से छोटी बनाएंगे तो ये गलती ना करें, यहाँ आगे 0 ना रखें, नहीं तो वो संख्या 4 अंकों की हो जाएगी, हमें तो 5 अंकों की चाहिए। तो अब बड़ी से बड़ी तो ये हो गई और छोटी से छोटी हमें चाहिए, और छोटी से छोटी के लिए हम 0 आगे लगा नहीं सकते, तो उसके बाद जो बड़ा है वो लगाएंगे, फिर उसके बाद में 0 को उसके पीछे लेके आएंगे ताकि वो छोटी बन जाए, और फिर उसके बाद में 3 उठाएंगे, फिर उसके बाद में 6 उठाएंगे, और फिर उठाएंगे 7 और उसको माइनस कर देंगे। देखिए 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर 1 बचा, 11 में से 6 गए 5, यहाँ 2 बचा, 12 में से 3 गए 9, यहाँ 5 बचा, 5 के 5, और यहाँ पर जो है 7 में से 2 गए 5, तो देखिए 55,953 वो संख्या हमें प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 177 से भाग दिया जाता है तो 65 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 59 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? तो देखिए हम 177 से भाग देते हैं किसी संख्या को, तो कहता है 65 शेष बचता है, तो हमेशा याद रखें कि ये दोनों जोड़कर जो संख्या आएगी वही ये मेन संख्या आएगी, 7 और 5 = 12 का 2 = 1, 7 और 6 = 13 और 1 = 14 का 4 = 1 और 1 = 2।
इसका मतलब वो संख्या 242 आ गई। आप करके देख लीजिए भाग, अंडरस्टूड बात है कि 177 एक कम 177 नीचे 65 ही बचेगा। तो इसका मतलब इन दोनों को जमा करने पर जो संख्या आती है वो मेन संख्या आती है। अब कहते हैं तो उसी संख्या को 59 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। अब इस संख्या को 59 से भाग दे लीजिए, 242 को अगर हम 59 से भाग देते हैं तो 59 को 4 से करके देख लीजिए, 9 चौक 36, 5 चौका 20 और 3 23 यानी 236। ये देखिए तो क्या शेष बचा, 6 शेष जो है यहां पर हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2/13, 4/9, 3/7 और 5/11 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 2/13, 4/9, 3/7 और 5/11, देखिए इनको आपस में क्रॉस करेंगे। यहां देखिए 9 दुनी 18 और 13 चौका 52, इसके ऊपर 52 आया है तो ये बड़ी संख्या हो गई इन दोनों के मुकाबले में। तो इसी संख्या का मुकाबला अगले से कराएंगे, ये बड़ी हो गई। देखिए 9 दुनी 18 और 13 चौके 52, इसका मतलब इसके ऊपर ऐसे क्रॉस करने से 52 आया तो ये बड़ी हो गई। अब इससे मुकाबला अगले का कराएंगे, 7 चौक 28, इस पे 28 आया, 9 तिया 27, इस पे 27 आया, इसका मतलब ये अभी यही बड़ी बड़ी है, इसका मतलब ये भी बड़ी नहीं है इससे। अब अगले का मुकाबला कराएंगे, देखिए 11 चौक 44, ऐसे क्रॉस कराएंगे 11 चौक 44 और 9 बजे 45, इसके ऊपर 45 आ गया, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या 5/11 है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कहता है यदि एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता है और फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेता है, अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। तो 1/5 वो खर्च कर देता है, माना उसकी पूंजी 1, तो 1 में से 5/6 उसने खर्च कर दिया तो क्या बचा। यहां देखिए 1/6 तो बचा, कहता है जो खर्च कर देता है फिर शेष का 1/2 कमा लेता है, शेष क्या है 1/2 बचा उसका। कहता है 1/2 कमा लेता है तो उसका 1/2 गुणा में 1/2 कितना हुआ, 1/12, इसका मतलब उसके पास 1/12 उसने और कमा लिया तो उसके पास कुल कितना भाग हो गया, 1/6 तो पहला बच गया था और 1/12 उसने और कमा लिया, दोनों को हम जोड़ देते हैं, एलसीएम आता है 12, 6 दुनी 12, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3/12, 3/12 का मतलब 1/4, इसका मतलब अब कुल पूंजी का 1/4 उसके पास है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 2/3 भाग किसी खेल में भाग लेता है और 25 विद्यार्थी किसी भी खेल में भाग नहीं लेते तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। कहता है कुल विद्यार्थियों का 2/3 भाग, इसका मतलब माना सारे विद्यार्थी एक में से 2/3 को घटाते हैं, एक में से 2/3 को घटाते हैं तो क्या बचता है 1/3 जो बच गया। कहता है 2/3 किसी खेल में भाग लेता है और 25 विद्यार्थी किसी खेल में भाग नहीं लेते, इसका मतलब जो भाग नहीं लेते वो 1/3 है क्योंकि सारे विद्यार्थी एक थे और 2/3 किसी खेल में भाग लेता है तो जो बच गया वो क्या है 1/3। तो 1/3 किसी भी खेल में, कहता किसी भी खेल में भाग नहीं लेते तो इसका मतलब 1/3 बराबर है 25, तो 1 बराबर है यानी सभी बराबर है गुना में 3/1, इसका मतलब सारे विद्यार्थी जो है वो 75 हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी संख्या के 3/4 और 2/5 भाग का अंतर 28 हो तो वह संख्या क्या होगी। देखिए किसी संख्या के यानी x के 3/4 और 2/5 भाग का अंतर, अंतर का मीन्स घटा, 28 हो तो देखिए x का 3/4 माइनस 2/5 बराबर 28, एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ गया देखिए 20, 4 5 20, 5 3 15 माइनस 5 चौका 20, 4 2 8 क्या आया 7/20 और 7/20 हम कह सकते हैं 7/20 बराबर है 28 के, तो 1 बराबर है तो ऐसे संख्या पलट जाएगी 20/7
सात चौक 28, इसका मतलब वो संख्या जो है 80 है। देखिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2/5, 3/10 और 4/15 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो देखिए स्टूडेंट्स हमेशा ये देखिए 2/5, 3/10 और 4/15 का महत्तम समापवर्तक। और अगर आपको कभी भी महत्तम समापवर्तक निकालना है तो महत्तम समापवर्तक होता है महत्तम बटे लघुतम, यानी ऊपर वाली संख्याओं का महत्तम। अगर महत्तम निकालना है तो ऊपर वाली का महत्तम और नीचे वाली का लघुतम। और अगर लघुतम निकालना है, देखिए महत्तम बराबर है महत्तम बटे लघुतम, और अगर आपको लघुतम निकालना है तो ऊपर वाली का लघुतम तो नीचे वाली महत्तम, ये याद रखना है। तो हमें क्या निकालना है, हमें महत्तम निकालना है यानी एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाली का महत्तम, ऊपर वाली का महत्तम एक आएगा, करके दिखाऊं। ये देखिए चार सबसे बड़ी संख्या है, चार को तीन से महत्तम करेंगे, तीन एकम तीन, एक बच गया तो तीन को इधर ले लीजिए, एक तिया तीन, अब यहां एक आ गया तो एक संख्या ऊपर बची है दो, तो दो को एक से कर दीजिए, एक दूना दो तो एक ही महत्तम आ गया। वैसे तो यहाँ डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि एक आ गया, लेकिन मैंने करके इसलिए दिखाया कि कभी कोई स्टूडेंट्स फिर कमेंट में कहे कि करके तो नहीं दिखाया, तो इसलिए मैंने करके दिखाया। अंडरस्टूड बात है कि ऊपर एक महत्तम आ गया और नीचे वाले का लघुतम लेना है। 15, 10 और 5 का लघुतम क्या आएगा, 30 आएगा। देखिए तो 15 को, क्योंकि 30 को 15 से भाग जाता है, 10 से भी जाता है, 5 से भी जाता है, इसलिए यहाँ पर 1/30 हमें इसमें महत्तम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दो संख्याओं का लघुतम समापवर्त्य 144 और महत्तम समापवर्तक 8 है, यदि एक संख्या 16 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये लघुतम समापवर्तक यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, और फर्स्ट नंबर इज 16, देन फाइंड आउट द सेकंड नंबर। तो देखिए यहां पर हमेशा जब दूसरी संख्या ज्ञात करते हैं तो सेकंड नंबर दूसरी संख्या बराबर है लघुतम यानी एलसीएम गुना एचसीएफ यानी महत्तम बटे फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हमेशा याद रखें, यानी लघुतम गुना महत्तम बटे पहली संख्या। तो यहां पर देखिए हम उसको सॉल्व करते हैं। तो लघुतम क्या है, लघुतम 144 है, गुना महत्तम क्या है 8, और पहली संख्या क्या है 16, तो 8 × 16 और 72 × 144, तो हमारा आंसर आता है दूसरी संख्या 72 होगी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 9, 12, 15 से अलग अलग भाग देने पर प्रत्येक दशा में पूरा पूरा भाग हो। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता होना चाहिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है ये देखिए 10,000। अब कहते हैं जिसको 6, 9, 12, 15 से अलग अलग से भाग दें, यानी 6, 9, 12, 15 का एलसीएम चाहिए हमें, और 6, 9, 12, 15 का एलसीएम अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ 15 चौका 60 तो नहीं आता, क्योंकि 9 से भाग नहीं जाएगा 60 को, 6 से चला जाएगा, 12 से चला जाएगा। इसका मतलब अगर 60 नहीं आता 80 भी नहीं आएगा, क्या आएगा 180 आएगा। देखिए 180 इसका एलसीएम 180 आएगा, 15 से भी भाग जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा और इससे भी जाएगा। अगर हम 120 देखते हैं तो 120 भी नहीं आता, क्योंकि 9 से 9 एकम 9 3, 9 से इसको नहीं जाता, इसका मतलब 180 इसका एलसीएम होगा। तो 180 से हम इसको भाग कर देंगे, देखिए 180 से भाग कर देंगे 180, यानी यहां 18 × 5 = 90, इसका मतलब 900, 1000 में से 900 गया, 100 बच गया और 100 हमने और जीरो हमने और उतार ली। तो देखिए फिर 18 × 5 = 90 यानी 900 बच गया 100। अब यहां पर 100 शेष बचता है, तो कई
कैंडिडेट क्या करते हैं, कई स्टूडेंट इस 100 को इस 10,000 में से घटा देते हैं, और घटाने के बाद देखते हैं तो वो संख्या तो 5 अंकों की नहीं रहती, वो तो 4 अंकों की बन जाती है। तो जब संख्या घटाने से छोटी होती दिखाई दे रही है तो आप घटा क्यों रहे हैं, जोड़ दीजिए। या देखिए क्यों, यहाँ 100 बचा है तो 100 यहाँ कितना है, 180 भाग 180 से दे रहे हैं, और 100 बचा है, घटा सकते नहीं है तो जोड़ दीजिए, कितने की कमी है, 80 की, तो इसमें 80 जोड़ते ही 180 हो जाएगा। आप देखिए भाग चला गया एक पर, इसका मतलब ये 10,000 जो हैं इनमें केवल 80 की कमी है। अगर हम इस 80 को इसमें जोड़ दें तो देखिए ये वही संख्या में प्राप्त हो गई 10,080, जिसे 6, 9, 12, 15 से अलग अलग भाग देने पर भी भाग पूरा पूरा होगा और 5 अंकों की सबसे वह छोटी से छोटी संख्या हमें प्राप्त होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे यदि 177 और 285 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 की कमी पड़े। अब 3 की कमी पड़ने की बात है तो सबसे पहले तो हम यहाँ 177 और 285 को रखते हैं। कहते हैं 177 और 285 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 की कमी पड़े, तो सीधी सी बात है इनमें 3 जोड़ दीजिए प्लस 3, और इसमें भी 3 जोड़ दीजिए प्लस 3, तो ये तो हो गए 288 और ये हो गए 180। इन दोनों का हम महत्तम निकालेंगे। देखिए HCF 180 एकम 180, देखिए 8 0 1, अब इसको इधर ले लेंगे, देखिए 180 को 108 एकम 108, क्या बचता है यहाँ पर, 10 में से 8 गया 2, यानी यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पर 72 बच गए। अब इसको इधर लीजिए और इसको इधर ले लीजिए 108 को, 72 एकम 72, अब देखिए क्या बचता है 36, और इधर 72 को ले लीजिए 36 दुनी 72। देखिए यहाँ पर जो है 36 हमें जो प्राप्त हुआ ये वही संख्या है, और इस संख्या से 36 से अगर आप 177 को भाग दोगे और 285 को भाग दोगे तो उसमें 3 की कमी पड़ेगी, क्योंकि हमने 3 जोड़कर HCF निकाला है, तो भाग 180 और 288 को पूरा जाएगा, 177 और 285 को भाग देने पर तो 3 की कमी ही पड़ेगी। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, x बटे 16 बराबर है 196 बटे x में x का मान ज्ञात करें, यानी एक्स बटा 16 बराबर है 196 बटा एक्स में एक्स का मान ज्ञात करना है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। देखिए तो क्या आता है, एक्स स्क्वेयर बराबर है 16 गुना 196, इनकी गुना हो जाएगी तो कितना आया, ये आता है 3136। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वेयर बराबर है 3136, तो एक्स क्या होगा, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए 3136 का, पेयर बनाते हैं, देखिए 5 5 25, यहां बचता है 6, ऊपर से उतारते हैं 36, अब वर्गमूल में यहां इसको लेके आएंगे 5, देखिए 5 2 10 10 बनाकर यहां कर लेके आते हैं तो देखिए 6 पे चला जाता है सीधा, ये देखिए एक छः से गुना करते हैं तो 106 छक्का 636, तो देखिए 56, यानी x जो है वो हमें यहां पर 56 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 16 और 4 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। स्टूडेंट्स कभी भी आपके सामने तृतीयानुपाती आएगा तो इस तरह से आएगा कि 16 और 4 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें, तो पहली संख्या 16 है और दूसरी संख्या 4 है, तो हमेशा ये आपको याद रखें कि तृतीयानुपाती बराबर है होता है दूसरी संख्या का स्क्वायर अपॉन पहली संख्या, हमेशा ये याद रखें
कि दूसरी संख्या का स्क्वेयर अपॉन पहली संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है? चार। तो चार का स्क्वेयर क्या हो गया? चार का स्क्वेयर बटे पहली संख्या, तो क्या हुआ? 16/16। तो यहां एक हमें जो है तृतीयानुपाती प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 0.32 और 0.02 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। हमेशा आपको यह याद रखना चाहिए कि मध्यानुपाती जब हम निकालते हैं तो यहां 0.32 गुना 0.02 को अंडर रूट में रख देंगे, हमें यहां मध्यानुपाती प्राप्त हो जाएगा। मध्यानुपाती अब कैसे देखिए, क्या आया अंडर रूट में रखने पर, क्या आता है ये 32 × 64, ऐसे कर लीजिए और 2 और 2 = 4 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 32 × 64, हम 64 लिख देते हैं, और देखिए 2 के बाद यहां पॉइंट है, 2 के बाद यहां पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, ये हमें प्राप्त होता है। लेकिन जब इसको हम खोलते हैं तो हमें मिलता है 0.08। तो देखिए ये इसका मध्यानुपाती प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मोहन और गोपाल दोनों के पास 1210 रुपये हैं, यदि मोहन के 1/3 भाग का मूल्य वही है जो गोपाल का के 2/5 भाग का है, तो गोपाल के पास कितने रुपये हैं? तो स्टूडेंट्स यहां देखिए, पहले है मोहन और फिर है गोपाल। तो कहता है मोहन के 1/3 भाग का मूल्य वही है यानी बराबर है जो गोपाल के 2/5 भाग है। तो 1/3 बराबर है 2/5 के, तो पूरा किसके बराबर होगा? गुना में 3/1। इसका मतलब दोनों का रेशियो क्या आ गया? 6/5, यानी दोनों का रेशियो जो है वो 6:5 है। और रुपए कितने हैं? 1210। तो 1210 रुपए को हम बांट देते हैं, 1210 बटा दोनों का अनुपाती योग 11, और गुना में कहते हैं गोपाल, गोपाल के गोपाल का हिस्सा क्या है? 5, तो गुना में 5। अगर मोहन का निकालना है तो गुना में 6, इसको काट दीजिए, 11 × 11 = 0, तो 11×55 यानी 550 रुपये जो है वो गोपाल का हिस्सा है। और अगर मोहन का निकालना है तो गुना में 6 कर दीजिए, 11×66 = 660 रुपये उसका हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 2 संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात बदलकर 5:7 हो जाता है, वह संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 2 संख्याएं 3x/5x, दोनों में 10 जोड़ दिया जाता है, प्लस 10। तो कहता है दोनों का अनुपात बदलकर 5:7 हो जाता है, तो 5/7। अब इसको क्रॉस कर देते हैं, 7×21 = 10/70। फिर ये क्रॉस करते हैं तो 5×5 = 25x + 50। तो देखिए x का डिफरेंस यहां पर आता है 4x, बराबर है 70 और 50 का आता है 20, 4x = 20। तो x बराबर क्या आया? 5 ही तो आया, तो x बराबर 5 है। तो देखिए 5, ये संख्या ये है, 5 × 3 = 15, तो 15 तो ये संख्या आ गई, और 5×5 = 25, 25 ये संख्या आ गई, तो दोनों संख्याएं यानी 15 और 25 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 48 रुपये प्रति किलो और 32 रुपये प्रति किलो चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपये प्रति किलो हो जाए? देखिए तो 48 रुपये प्रति किलो यानी 48 यहाँ पर लिख लीजिए, और 32 रुपये प्रति किलो यहाँ लिख लीजिए, और मिश्रण का मूल्य चाहिए 36 रुपये प्रति किलो, तो 36 रुपये यहाँ बीच में लिख लीजिए, और इसको इस तरह से क्रॉस कर दीजिए। ये देखिए 48 और 36 को अगर हम घटाते हैं तो हमें मिलता है 12, और 32 और 36 को घटाते हैं तो हमें मिलता है 4। कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा, तो माइनस में आएगा। मिश्रण में हमेशा इस तरह से क्रॉस करके जब घटाते हैं तो दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, ऊपर नीचे का कोई फर्क नहीं होता।
तो ये देखो क्या आया, 4:1 यानी 1:4 यानी 1:3 यानी 1:3 में अगर मिलाई जाए तो मिश्रण का मूल्य 36 रुपये प्रति किलो हो जाए। तो देखिए 1:3 हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्कूटर और टेलीविज़न के मूल्यों में 7:3 का अनुपात है, यदि स्कूटर का मूल्य टेलीविज़न के मूल्य से 16,000 रुपये अधिक हो तो दोनों का मूल्य ज्ञात करें। अब यह जाहिर सी बात है कि दोनों को के मूल्य में 7:3 का अनुपात है, यानी 7x स्कूटर का मूल्य, 7x और 3x टेलीविज़न का मूल्य, और दोनों के मूल्यों में अंतर है 16,000 रुपयों का। देखिए तो इसका मतलब क्लियर है, यहां पर देखिए कि 4x बराबर है 16,000, तो x बराबर है क्या आया 4,000। इसका मतलब x की वैल्यू 4,000 है, यहां देखिए 4 अगर इसके नीचे लाते हैं तो 4,000 आता है, और x की वैल्यू 4,000 है तो 4×7=28, ये देखिए 28,000 का तो स्कूटर है, और 4×3=12,000 का जो है वो टेलीविज़न है। दोनों का अंतर अगर आप करते हैं तो 28 में से 12 जाते हैं तो 16,000 का अंतर आता है। तो यहाँ पर कहता है दोनों का मूल्य स्कूटर 28,000 और टेलीविज़न 12,000। तो स्टूडेंट्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक अवश्य करें, ताकि मैं आगे भी लगातार पेपर तक आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर सकूं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि समय पर डाले जाने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।